सी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री त्यागी जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टेक्निकल टीम, राज्य और जिला स्तर के पदाधिकारियों और हर केंद्र पर मौजूद वीएलईज का स्वागत है। माननीय मंत्री महोदय, हमारे लिए ये बड़ी ही उपलब्धि की बात है कि आज प्रत्येक सीएससी पर कम से कम 8 से 10 कामगार उपस्थित हैं और इस समारोह में सीधे जुड़े हुए हैं। इस तरह से 4 लाख सेंटरों पर करीब 30 से 40 लाख लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। कुछ ही देर में आपके कर कमलों द्वारा इस ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ होते ही इन कामगार बंधुओं का पंजीकरण होगा और ई श्रम कार्ड भी मिलेगा। आप सभी कर्मठ भाइयों और बहनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। असंगठित कामगारों तक पंजीकरण प्रक्रिया के विषय में सटीक जानकारी पहुंचाने का महत् कार्य हमारे मीडिया कर्मी बंधुओं के हाथ में है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रेस एवं मीडिया कर्मी इस काम को अत्यंत सहजता और अंतरंगता से कर पाएंगे। इस समारोह में आपकी उपस्थिति कामगारों के उज्जवल भविष्य का संकेत है। आपने अपने सभी अतिथियों का पुनः एक बार अभिनंदन करते हुए मैं अपना स्वागत भाषण यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महानिदेशक महोदय जी। अब मैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी से अनुरोध करूंगी कि आप पोर्टल पर अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। सर, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, इधर उपस्थित सब श्रम व रोजगार मंत्रालय के अधिकारी, वीसी पे जुड़े हुए विविध राज्यों के सब अधिकारी और हमारे हमारे एक बंधु जो कि आज अनऑर्गेनाइज्ड पोर्टल के ऊपर आज अपना जो है रजिस्ट्रेशन पंजीकरण आज कराने वाले हैं, और हमारे मीडिया भाई बंधु, ये जो आज का दिन एक स्वर्णिम दिन है, क्योंकि ये स्वप्न मुझे लगता है पिछले 20-25 सालों से ये देखा जा रहा है कि अनऑर्गेनाइज जो वर्कर हैं हमारे देश में 80% से अधिक जो हमारे कामगार बंधु हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, परंतु इनका पंजीकरण आज तक नहीं हो पाया है। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट वर्ष 1979 में पारित किया गया, परंतु उसमें हमें कोई बहुत अधिक सफलता नहीं मिली, वो नहीं हो पाया। उसमें पंजीकरण पिछले वर्ष हमने देखा केवल 90,000 के आसपास माइग्रेंट वर्कर उसमें शामिल थे, जबकि जो हमारा अधिकृत आंकड़ा है उसमें 1,10,00,000 माइग्रेंट वर्कर पिछले वर्ष जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह गए। फिर उसके बाद अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट वर्ष 2008 में पारित किया गया, जिसका भी उद्देश्य यही था कि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को इसका लाभ मिले, परंतु उसमें भी किसी कारणवश कार्यवाही नहीं होता। अब ये आज का स्वर्णिम दिवस आया है और आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, हमारी टेक्नोलॉजी आगे पहुंच गई है कि अब हम एक पोर्टल के ऊपर आज हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि भारतवर्ष के जितने भी मजदूर वर्ग है, असंगठित मजदूर वर्ग है, उनको सबको हम इस पोर्टल पे शामिल कर सकेंगे। जो आंकड़ा 38 करोड़ का जो अनुमानित आंकड़ा है, वो जल्द से जल्द हम इस तक पहुंच सकेंगे। असंगठित मजदूर कौन है? असंगठित मजदूर सोशल सिक्योरिटी कोड में इसकी पूरी डेफिनेशन दी गई है। उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपने घर पे काम कर रहा हो या स्वतः काम कर रहा हो या किसी भी वेज में अगर किसी से कहीं से तनख्वाह भी पा रहा है, परंतु ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर 10 से कम कर्मचारी काम करते हो, तो उसे भी असंगठित मजदूर माना गया है, वो इसमें जुड़ सकता है। हम इस पोर्टल में लोगों को शामिल करके क्या करें? हमें उनको एक जगह पे जब ये संगठित होंगे, जब एक जगह उसका आंकड़ा मिलेगा और इसमें इस पोर्टल में जो हम आंकड़े ले रहे हैं उसमें उनकी स्किल क्या है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो कहाँ रहते हैं, कहीं दूसरे राज्य से आए हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। इसका उपयोग हम इसी के लिए करेंगे कि उनको जो भी बेनिफिट्स मिलने हैं, चाहे वो प्रोविडेंट फंड के हो, चाहे हाउसिंग के हो, या आज जो वन नेशन कार्ड का मिल रहा है, इस तरह के बेनिफिट्स उनको प्राप्त हो सके। और आगे जाके जब ये आंकड़े हमारे पास और सुदृढ़ हो जाएगी,
तो उनकी स्किल को अपग्रेड हम कर सके। जो आज अगर कोई कहता है कि मैं प्लम्बर का काम करता हूं, तो वो प्लम्बर के स्किल उसने सेल्फ एक्वायर करी हुई है या उसने कहीं से कोई कोर्स किया हुआ है, नहीं किया हुआ है तो उसको वो कोर्स हम आगे करा सके। ऐसे ही जो लोग आज जो है, आज हमारा एक नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल चलता है, उसके ऊपर हमारे 1 करोड़ लोग आज पंजीकृत है, पर ये भी जो लोग हैं, अगर इनको अगर अपना रोजगार चाहिए हो तो इनको भी हम उसमें नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर जोड़ सके और जो एम्प्लॉयर है उनको ये बता सके कि भाई ये लोग इस एरिया में इस स्किल के और इस कार्यशैली के लोग उपलब्ध हैं, इनको भी आप इसमें से चुन सकते हैं। हमने इस पोर्टल को बनाते हुए सब लोगों से, सब केंद्र सरकार के विविध मंत्रालयों से विस्तृत चर्चा करी, कैसे उनको इसका लाभ मिलेगा उसके बारे में उनसे चर्चा हुई है, और साथ ही राज्य सरकारों से बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। राज्य सरकारों ने कुछ ने अपने स्तर पे एक काम शुरू कर दिया था, अब जो उनका डाटा है वो सब इसमें हम सम्मिलित करेंगे, और साथ ही ये यहाँ जो हम डाटा लेंगे जो कि आगे बढ़ता जाएगा उसको राज्य सरकारों के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि उनके उनको अपने स्तर पे कोई बेनिफिट देना हो वो देते रहें और अपनी योजना बना सके। कुछ राज्यों ने ये भी कहा कि हमें जो है जो आपके डाटा फील्ड है उससे अधिक की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो भी हम इसे खुला रखेंगे कि अगर राज्य उसमें बढ़ाना चाहें तो उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये हम जो प्रावधान रखेंगे कि राज्य सरकार उसमें अगर अपना बढ़ाना चाहे तो उसमें वो डाटा बढ़ाए, पर हमें इतना डाटा देते। आगे जाके हमें क्या करना है इसमें, हमें सबसे ज्यादा आगे जाके हमें, अब जैसे सोशल सिक्योरिटी कोड हमारे मंजूर होंगे तो हमें गिग वर्कर जो कि आज किसी वर्कर के डेफिनेशन में नहीं आते उनको इसमें जोड़ना है, उनके लिए स्कीम हमें लागू करनी है। जो स्कीम हमारी तैयार है और जैसे ही सोशल सिक्योरिटी कोड होगा हम उसको लागू करेंगे। अपेक्षा ये है कि ये पोर्टल पे जो लोग शामिल हो रहे हैं वो अपने डाटा को अपडेट करते रहेंगे, आगे हमें पता रहेगा कि अगर आज एक मजदूर अगर बिहार से महाराष्ट्र गया है और महाराष्ट्र से छोड़ के अगर वो वापस बिहार जाता है या वहां से गुजरात जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी, कौन कहां से कहां गया उसका आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध रहेगा, और आगे कभी भी कोई परिस्थिति आती है तो उसके अंदर हमें पता रहेगा कि कौन कहां है, इसीलिए हम उसके मोबाइल नंबर और ये सब भी ले रहे हैं जिससे हम उन लोगों से संपर्क कर सके। तो ये आज जो पोर्टल शुरू हो रहा है इसमें माननीय मंत्री महोदय जिन्होंने इस मंत्रालय में केवल 1.5 महीना पहले चार्ज लिया है, उन्होंने कई कई मीटिंग लेके हमें मार्गदर्शन किया, जो भी इसमें जो है कमियां थी उनको हमसे पूरा कराया। माननीय राज्य मंत्री जी ने भी मार्गदर्शन दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, ताकि इस पोर्टल में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जो सेक्रेटरी मेटी है वो इसके कोचेयर थे और सीईओ यूआईडीआई, क्योंकि यूआईडीआई के बिना इसका आधार इसका एक बैकबोन है, यूआईडीआई की सपोर्ट के बिना ये पोर्टल नहीं बन सकता था, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे मंत्रालय में श्री मनोज गुप्ता डायरेक्टर और श्री अजय तिवारी, इन्होंने अथक परिश्रम किया पिछले 6-7 महीने से, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे थे चाहे वो कोर्ट के हों चाहे वो यूआईडीआई के हों, हर मुद्दे को इन्होंने अपने स्तर पे सुलझाया और इसी वजह से हम आज इस परिस्थिति में पहुंच सके। और विशेष करके श्री राजेश गेरा, जिन्होंने केवल 2 महीने पहले इस प्रोजेक्ट की कमान संभाली, अगर आज ये ना होते तो ये पोर्टल टेक्निकल दृष्टि से ये नहीं हो पाता, इनका भी मैं और इनकी टीम का पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ। और जैसा श्री अजय तिवारी जी ने कहा, आपका मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमें 38 करोड़ लोगों को इस पर जोड़ना है। आज जैसे तिवारी जी ने कहा कि जो है हर सीएससी पे 10-10 मजदूर 10-12 लोग उपलब्ध है, तो हमें जल्दी ही हमें अपेक्षा है कि 30-40 लाख के आंकड़े पे पहुंच जाए, परंतु हमें बहुत लंबा सफर तय करना है, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि ये हम भारत के सब असंगठित मजदूर तक पहुंचा पाएंगे, उनको बता पाएंगे कि इसका लाभ क्या है और इसमें इस पोर्टल पे जोड़ पाएंगे। धन्यवाद। आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार सचिव महोदय जी। अब मैं माननीय राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार
आदरणीय श्री रामेश्वर तेली जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया वे अपने वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। माननीय मंत्री, श्रम एवं रोजगार एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, वेब टेलीकास्ट से जुड़े हुए विभिन्न राज्यों के श्रम एवं रोजगार मंत्रीगण, श्री अपूर्व चंद्रा जी सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों के श्रम विभाग के अधिकारीगण, मीडिया के पधारे हुए साथीगण, वेब टेलीकास्ट से जुड़े साथियों एवं उपस्थित देवियों और सजनों, आप सभी का ई पोर्टल के लॉन्च कार्यक्रम में हार्दिक एवं नमस्कार। देश में असंगठित श्रमिक वर्ग के करोड़ों कामगारों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा आजादी के बाद पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नेशनल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसको ई श्रम पोर्टल का नाम दिया गया है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद श्रमिक भाइयों एवं बहनों को भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा लेने के लिए बार बार पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। असंगठित श्रमिक वर्ग जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, प्लेटफॉर्म एवं गिग वर्कर्स आदि को एक डिजिटल ई श्रम कार्ड मिलेगा, जिसको वो पोर्टल से या मोबाइल ऐप से अपडेट भी कर सकेंगे। ई श्रम कार्ड पर लिखा UAN देश के सभी राज्यों में वैलिड होगा। देश भर में लाखों कंस्ट्रक्शन और अन्य असंगठित श्रमिक माइग्रेट वर्कर्स के रूप में काम कर रहे हैं। उनके कल्याण के लिए सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की तर्ज पर विभिन्न सोशल सिक्योरिटी स्कीम को पोर्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू किया है, ताकि ऐसे माइग्रेट वर्कर्स को उनके कार्य स्थल वाले राज्यों में विभिन्न आवश्यक लाभ प्रदान किया जा सके। अभी हमारे मंत्रालय का पूरा जोर राज्य सरकार के साथ मिलकर इस नेशनल डेटाबेस को पूरा करवाना है, फिर इस डेटाबेस का उपयोग केंद्र एवं राज्य सरकार की कई सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा असंगठित वर्ग के कामगारों को देने में भी किया जा सकेगा। हमारे मंत्रालय ने असंगठित वर्ग के कामगार भाइयों एवं बहनों को इस श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 5 वर्ष के लिए लगभग 404 करोड़ का बजट भी मंजूर किया है। इस श्रम पोर्टल को जन जन तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय IEC गतिविधियों पर भी जोर दे रहा है। इसी कर्म में हमारे मंत्रालय ने एक लोगो भी बनाया है, जिसका माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा 24/4/2021 को अनावरण किया गया।
मंत्रालय के ऑर्गेनाइजेशन जैसे ईएसआईसी, ईपीएफओ आदि को भी सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च करने के लिए बोला गया है। 24 अगस्त को हुए ई श्रम लोगो लॉन्च कार्यक्रम देश की विभिन्न ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों से वार्तालाप करने का भी मौका मिला और उनके बहुमूल्य सुझाव भी प्राप्त हुआ। उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए हमारे मंत्रालय आगे बढ़ रहा है। मैं ट्रेड यूनियन एवं देश के समस्त अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा मंत्रालय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में असंगठित कामगार वर्ग के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएगा। मैं यह भी बताता हूं कि श्रमिकों की सहायता करने के लिए मंत्रालय ने एक नेशनल हेल्पलाइन भी तैयार की है जिसका नंबर 14434 है। ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण के लिए श्रमिक भाइयों और बहनों को अपनी तरफ से कोई पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। वो पोर्टल या ऐप से सीधा पंजीकरण कर सकते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर CSC को सहायता ले सकते हैं जिसको भारत सरकार 20 रुपये प्रति पंजीकरण देगी। भविष्य में यह डाटाबेस क्षेत्र विशेष या समूह विशेष जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर आदि के लिए योजनाएं बनाने में केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। इस संदर्भ में सभी राज्य सरकारों से, ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों से एवं देश के जन जन से विभिन्न निवेदन करूंगा कि आप सभी असंगठित वर्ग के श्रमिक भाइयों और बहनों के कल्याण के प्रति ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी के सकारात्मक सहयोग से एवं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में श्रम रोजगार मंत्रालय न केवल अनऑर्गेनाइज लेबर के रजिस्ट्रेशन का काम ई पोर्टल पर समयबद्ध तरीके से कर पाएंगे बल्कि उनके कल्याण के लिए कई और भी कदम उठा पाएंगे। हमारा मंत्रालय आज ई श्रम पोर्टल के लॉन्च के दिन ई श्रम पोर्टल को राज्य सरकारों को हैंडओवर भी कर रहा है। मैं राज्य सरकारों, ट्रेड यूनियन और देश के जन जन से निवेदन करता हूं कि हम सब भारत सरकार की इस गेम चेंजर योजना ई श्रम पोर्टल में अपने सभी असंगठित श्रमिक भाइयों और बहनों को जोड़े ताकि वो लोग भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सुनिश्चित लाभ उठा पाए। इसी के साथ मैं आप सभी पधारे हुए अतिथिगणों को धन्यवाद देता हूं एवं ई श्रम पोर्टल की सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय राज्य मंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अब वो ऐतिहासिक क्षण आ गया है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार श्री भूपेंद्र यादव जी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने कर कमलों द्वारा ई श्रम पोर्टल का अनावरण कर इसे राज्यों को हस्तांतरित करें। माननीय केंद्रीय मंत्री जी। अनावरण के साथ ही अब यह पोर्टल सभी राज्यों को हस्तांतरित हो गया है। आप सभी से अपेक्षा है कि आप अपने सतत प्रयासों से
ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को इस पोर्टल में पंजीकृत करवाएंगे। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस संबंध में श्रमिकों के अनुभव एवं इस पोर्टल पर उनके विचार जानने के लिए आइए हम चलते हैं सीएससी अजमेर। अजमेर से वेलफेयर कमिश्नर श्री संजय दाबी जी के माध्यम से हम श्रमिकों के साथ हमारे मंत्री जी वार्तालाप करेंगे। तो चलते हैं अजमेर। मंत्री महोदय नमस्कार, मैं संजय डाबी वेलफेयर कमिश्नर अजमेर से। अब श्रीमती प्रेमलता इस ई कार्ड के बारे में आपको जानकारी देगी। मंत्री महोदय जी को मेरा नमस्कार, मैं आंगनबाड़ी केंद्र पिपली का बेरा अजमेर से प्रेमलता बोल रही हूँ। ये ई श्रम कार्ड मैंने यहाँ पे बनवाया, ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसमें आधार कार्ड, बैंक की डायरी और मोबाइल नंबर, इसका रजिस्ट्रेशन फ्री है। इस ई श्रम कार्ड से हमें ये लाभ है कि इसमें 2 लाख का बीमा निशुल्क है, जिसका प्रीमियम सरकार भरेगी। और केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार से जो कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ लाभार्थी के खाते में आएगा। धन्यवाद सर। बढ़िया है सर। संजय जी, काफी सारे बीड़ी मजदूर अजमेर में हैं, उनका भी आप ये रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर रहे हैं? यस सर। आइए श्री श्री मूल सिंह। मंत्री महोदय नमस्कार, राम राम। राम राम। सर मैं मूल सिंह पंवार, सीएससी सिलोरा, तहसीलगढ़ जिला अजमेर, राजस्थान से बोल रहा हूँ। एग्रीकल्चर फार्मर का कार्य करता हूँ। मुझे आज पता चला है कि सीएससी पे इस सर्वे कार्ड बन रहा है, तो मैं भी यहाँ पहुंचा। आते ही मैंने इनसे पूछा भाई क्या क्या चाहिए, तो इन्होंने कुछ ही नहीं मांगा, केवल मेरे से आधार कार्ड और मेरा खाता नंबर और मोबाइल नंबर ये लिए थे, और मेरे जॉब के बारे में पूछा और मेरी सेफ्टी योग्यता के बारे में मैंने बताया, मैंने काम करने के बारे में बताया, तो वो पूरा करके मेरे 5 मिनट में मेरा ई श्रमिक कार्ड बना दिया। भविष्य में ये कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार की जो भी जनकल्याणकारी योजना होगी उसे मुझे सीधा लाभ मिलेगा। जैसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2,000 रुपये हमारे खाते में डाले जाते हैं, वैसे भी ये सारी स्कीमें हमारी इसमें लॉन्च होगी। इसके साथ साथ हमारा 2 लाख का बीमा भी इसमें हो गया, जो एक्सीडेंटली ये बीमा है, हमारे आज तक हमारा कोई बीमा इसमें नहीं था पहले, तो आज इस हमारे लिए अभाग्य का दिन है जो हमारा बीमा भी इसमें हो गया। इसके लिए मंत्री महोदय आपका, हमारे पंचायत समिति सदस्य सीमा जी अखा हुआ है, सरपंच साहब राजकिशोर जी सैनी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। राम राम सर। श्रीमती ऋचा। नमस्ते मंत्री जी, मैं बीडी श्रमिक, मेरा नाम ऋचा है, मैं बीडी श्रमिक हूँ। ये जो ई श्रम कार्ड बनाया गया है, इसकी सूचना मुझे बीडी अस्पताल से द्वारा दी गई थी। वहां पर मुझे बैंक की पासबुक आधार कार्ड के द्वारा यह कार्ड बनाया गया है, और इस कार्ड के द्वारा राजकीय और केंद्रीय सुविधाओं का लाभ मुझे सीधा दिया जाएगा। आपको इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। श्री मनोज। श्री मंत्री महोदय को नमस्कार। सर मैं अजमेर से टेम्पू चलाता हूँ, और सर मेरे को किसी ने बताया मेरे मित्र ने कार्ड बनवाइए, कार्ड बनवाया गया, आधे घंटे मेरा कार्ड बन गया। मैं पासबुक, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ले गया सर, आधे घंटे में मेरा कार्ड बन गया, और मेरे को आने वाली केंद्र की और राजस्थान सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना आएंगी मेरे खाते में आएंगी सीधी। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आइए अब डिब्रूगढ़ के सीएससी सेंटर में वेलफेयर कमिश्नर श्री संपत कुमार जी के माध्यम से श्रमिकों के विचार जानें। डिब्रूगढ़। हेलो, नमस्कार, संपत कुमार वेलफेयर कमिश्नर। हम इधर डिब्रूगढ़ से इधर श्रमिकों का बीडी कार्ड आईडी कार्ड बना दिया हम लोग, अभी आप लोग से बात करेगा एक कार व्हीकल का ड्राइवर है सर, ये बात करेगा। नमस्कार मंत्री महोदय सर, अनऑथराइज्ड वर्कर हूं मैं, कल फ्री मेरा रजिस्ट्रेशन किया और वेलफेयर
सॉरी लेबर डिपार्टमेंट और सीएससी के मदद से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हमें डायरेक्ट सरकार के साथ जुड़े सकते हैं। सरकार की कोई भी योजना स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी योजना डायरेक्ट इस माध्यम से जानकारी मिल जाएगा और मैं और मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से डाटाबेस में नाम आ गया है और मेरे लिए के काम निकलने से इस माध्यम सीएससी से जानकारी मिल जाएगा। धन्यवाद। अपना की नाम अभिनुष। हेलो की नाम अपना अभिनुष मुड़ा सर। हाँ अभिनुष मुड़ा। अच्छा डिब्रूगढ़ के घर डिब्रूगढ़ सर बुलाया जाए। हाँ डिब्रूगढ़ घर अच्छा ठीक है गम पा गोल की वस्तु विचारा হৈছিল आधार कार्ड मोबाइल बैंकर खाता और टेलीफोन नंबर है ना है सर आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर ठीक है ठीक है। अभी हमारा साथ में टी गार्डन का एम्प्लॉई वर्कर है सर। नेक्स्ट टी गार्डन का वर्कर है अब उनसे हम उसको अपना बोल देते हैं सर। नमस्कार देवी धन्यवाद साहब अपना काम करो बोल हो गल आधार कार्ड मोबाइल नंबर बैंक पासबुक ठीक है पिछत बुझाई दिया हम ये कार्ड बनवार पिछत की सुविधा लाभ करियो पारी कथा नि कुआ हम निश्चय मोर घर डिब्रुगढ़ आम जो तक एने मीटिंग करम तो अपना लोग उपस्थित थको विटंग भावे जनवा हम नमस्कार सर नमस्कार दीपांजलि नेवार है आरो म डिब्रुगढ़ बासिंदा आरो म एस्टो प्राइवेट स्कूल एने करि आसु एज ए टीचर आरो ए घर तो दुएटा टीचिंग करू तो ए कार्ड तो बिखले गेला गम पालो सर आमी तो बनालु निश्चय गम पाइछु जे सरकार वाले पर बहुत किनि सुविधा पाम লাভবান হম যে ধরনে লাভবান হব লাগে মোর আর আশা করব আগলৈকেও যে যে ধরনে আপনি যে ভাবি পেলাই কোর্ডেজ বনাইছে আর সাজিছে নিশ্চয় তার পর বহুত খিনি লাভবান হম নিশ্চয় নিশ্চয় থ্যাংক ইউ স্যার ধন্যবাদ চেন্নাই সে হামারে কুছ শ্রমিক मित्रगण अपनी बात माननीय मंत्री जी को बताना चाहते हैं। यहाँ वेलफेयर कमिश्नर श्री पीएल जी भाषा के अवरोध को दूर करने के लिए माननीय मंत्री जी की बात श्रमिकों को एवं श्रमिकों की बात माननीय मंत्री जी को ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो चलिए चेन्नई चलते हैं। आदरणीय मंत्री महोदय जी को मेरा प्रणाम। मैं पीएल राजेंद्रन शर्मा कल्याण आयुक्त तमिलनाडु व पुदुचेरी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज हमारे जो सीएससी केंद्र में जो है करीब 10 से 12 लाभार्थी जो है पंजीकृत कर चुके हैं और वो अपनी पंजीकरण की जो
लाभ इनसे जो पंजे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इनको जो लाभ लेने जा रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। यहाँ भाषा की थोड़ी दिक्कत है सर, भाषा वो तमिल भी बोलेंगे। पूरे विचार यहाँ पे जितने भी मतलब लाभार्थी बैठे हैं वो सभी तमिल से ही मतलब उनका विचार विमर्श कर सकते हैं, हिंदी तो उनकी बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये एक तरफ से अपनी अपनी विचार पहले व्यक्त करेंगे, मैं इनका सारांश जो है मंत्री महोदय जी को जो है हिंदी में अनुवाद करूंगा सर। तो पहले लाभार्थी हमारे सामने जो बैठी हैं, कुमारी मेघला बैठी हैं, ये पेशे से जो है टेलरिंग का काम करती है सर, और ये मंत्री महोदय जी को जो है अपना विचार विमर्श जो है तमिल में व्यक्त करेगी, उसको मैं कंसोलिडेट करके आपको हिंदी में अनुवाद करूंगा सर। वेलकम सर। ஈஸ்வர் மேம் திட்டத்தை வந்து நாங்க பொது சேவை ஈசேவை மையத்துலதான் நாங்க போய் பார்த்தோம். அந்த பார்த்ததுல பாத்தீங்கன்னா அந்த கார்டு வந்து எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல் அப்படின்றத சொன்னாங்க. சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் ஆதார் கார்டு பேங்க்கும் எடுத்துட்டு வர சொன்னாங்க. இந்த கார்டு அப்ளை பண்றதுக்காக இந்த கார்டு நாங்க அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி இல்ல என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாங்க கேட்டப்ப இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மாதிரி 2 lakhs இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க டெத்துக்கும். அண்ட் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஊனம் ஆயிடும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மாதிரி 2 lakhs தருவாங்க அண்ட் 1 lakh தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க சார். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா டைம்ஸ் நிறைய பேர் வேலை வாய்ப்பு இல்லாம நிறைய பேர் திண்டாடிட்டு இருந்தாங்க. அந்த டைம்ல தான் இந்த கார்டு நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல் சொன்னாங்க. வேலை வாய்ப்பு திட்டத்துக்கு இந்த கார்டு நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல் சொல்லியிருந்தாங்க சார். அதே மாதிரி நம்ம எந்த கார்டு எந்த நாட்டுக்கு நம்ம போனாலும் இந்த கார்டு மூலியமா நம்ம ரேஷன் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தையும் நம்மளுக்கு சொன்னாங்க சார். சோ இந்த கார்டு பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கார்டா தான் எங்களுக்கு இருக்கு. இது மூலியமா நாங்க நிறைய பலன் அடைவோம் அப்படின்றது நாங்க நம்புறோம் சார். महोदय जी अभी आपके सामने जो है एक ऑटो चालक बैठे हैं जिनका नाम जो है रवि कुमार जी हैं, वो आपसे संबोधन करेंगे। இதனால நல்ல பயன் இருக்கு. ஆக்சுவலா இதனால நல்ல பயன் இருக்கு. இதுல இன்சூரன்ஸ் மூலியமா இந்த மாதிரி 2 lakh அந்த மாதிரி கிடைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. எங்களால வருவாய் எதுவுமே இல்லாம இருந்தது, இதனால நல்ல யூஸ்ஃபுல் இருக்கும். ஆக்சுவலா எங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் எந்த எதுவும் இல்லை. இதுக்கு கட்டணம் வரி எதுவுமே வாங்கல, சேவை கேட்க காசு எதுவுமே வாங்கவே இல்லை. ஆக்சுவலா கரெக்டா இருக்கு, அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. இதோட இதை வந்து இன்னும் நல்லா கவலை எல்லாருக்கும் போகணும். ஆக்சுவலா இது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலியமா எல்லாருக்கும் நாங்க சொல்றோம். ஆக்சுவலா இது நல்லா இருக்கு, எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. महोदय जी अभी आपके सामने जो है श्री आनंद जी अपना विचार व्यक्त कर लिया। ஐயா வணக்கம். தொழில்துறை அமைச்சருக்கு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோம். இந்த கார்டு மூலமா இந்த ஆன்லைன் குரூப்ல தான் பார்த்தேன் நான். இந்த கார்டை இந்த மாதிரி பண்ணாங்க வந்து விசாரிச்சதுக்கு அப்புறம், இந்த சென்டர்ல வந்து விசாரிச்சதுக்கு அப்புறம் இது மாதிரி பெனிஃபிட் இருக்கு, 2 lakh பெனிஃபிட் இருக்கு, தொழில் செய்யலாம், எந்த தொழிலும் தொழில் வந்து லோன் உடனே அப்ளை பண்ணிக்கலாம், அது மாதிரி விபத்து ஏற்பட்டாலும் பாதிப்புக்கு அந்த மாதிரி அது அந்த மாதிரி பணம் கிடைக்கும், லோன் கிடைக்கும். கொரோனா காலம் எல்லாருக்குமே வேலை இல்லை, பத்திக்கு அதான் இன்சூரன்ஸ் 1 lakh அது மூலியமா நீங்க பணத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் சொல்லிருக்காங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன். நன்றி. महोदय जी मैं अभी जो यहाँ के लाभार्थी जितने भी आपके सामने जो विचार रखे थे तमिल भाषा में रखे थे उनका अनुवाद मैं संक्षिप्त में जो है हिंदी में आपको बताना चाहता हूँ। इनका कहना है कि ये जो इनकी इनको जो इंफॉर्मेशन जो रजिस्ट्रेशन के बारे में मिला है वो CSE सेंटर के द्वारा मिला है, और इनके इर्द गिर्द जितने भी नेतागण हैं यूनियन के और जो व्हाट्सएप के जरिए और इनके जो मतलब रिश्तेदारों से या जाने माने लोगों से श्रम विभाग से इनको सूचना मिलने के बाद ये उस CSE सेंटर को कांटेक्ट किए हैं और बकाया रजिस्ट्रेशन भी कर लिए हैं, और इनको जो है ये कह रहे हैं कि इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको जो है कई प्रकार की लाभ मिलने की संभावना बहुत उम्मीद रखते हैं कि बहुत लाभ इनसे मिलेगा। एक तो उनका कहना है कि इस पंजीकरण से जो है इनको बीमा का बहुत फायदा होगा। अगर
दुर्भाग्यवश किसी घटना में अगर इनकी देहांत हो जाती है तो तुरंत 2 लाख रुपए इनकी जो है मतलब बीमा योजना बीमा राशि मिलने की जो है इसमें प्रावधान है, और अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट अगर हो जाता है तो भी जो है 2 लाख रुपया इनको मिलेगा, और अगर टेम्पररी डिसेबलमेंट हो जाता है उनको भी जो है मतलब इसमें बीमा राशि मिलने के प्रावधान के बारे में इन लोग उल्लेख करते हैं। और इनका कहना है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं तो वन नेशन वन राशन का जो हमारे देश की जो ये है उसके मुताबिक जो है इन लोग बहुत लाभान्वित होंगे, और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल के बारे में भी इन लोग ज़्यादा मतलब इसमें उम्मीद रखते हैं, और जो है मतलब लोन इसमें से जो है मतलब लोन हासिल कर सकते हैं, और दूसरा जो पैंडमिक जो अगर हो जाता है जो महामारी अगर हो जाता है अगर उसमें जो है कल्याणकारी योजना भी जो अगर भारत सरकार या राज्य सरकार किसी भी तरह की कल्याणकारी योजना के तहत अगर कोई सहायता देने के लिए आगे आते हैं तो वो सहायता लेने में जो है इनको ये रजिस्ट्रेशन बहुत कामयाब होगा। तो ये सब बारे में इनको जो है ये जानकारी रखे हैं, और इनका कहना है कि आगे इस रजिस्ट्रेशन से और क्या क्या मतलब लाभ मिल सकता है इसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए भी जो है बहुत इच्छुक हैं सर, और हम अपने तरफ से हमारे विभाग की तरफ से जो है हम इनको पूरी जानकारी देंगे, देते आए हैं और देते रहेंगे भी सर। ये हमारी तरफ से आपको एक हमारी हम आपको जो है आश्वासन देना चाहते हैं सर। धन्यवाद सर। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि 24 अगस्त को माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने देश की सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ एक बैठक की थी जिसमें सभी ट्रेड यूनियंस ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया था। इस बैठक में सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के प्रतिनिधियों ने राष्ट्र के निर्माताओं यानी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उठाए गए इस कदम को अपना पूरा सहयोग एवं सरकार के साथ परस्पर कार्य करने का विश्वास भी दिलाया है। इसी क्रम में बहुत से श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों ने नसीब भी हमारे साथ वाराणसी का सीएससी भी हमारे साथ कनेक्टेड है, वाराणसी में कनेक्ट करवाएं प्लीज। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, हम यहाँ पे अपने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए हैं जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रही हैं, और इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, और इनका जो कि अनुभव है अगर आप बात करना चाहें तो मैं बात करा सकता हूँ। और इनको हमने बताया कि आगामी आने वाले सभी भी सरकार की योजनाओं में इस श्रम कार्ड के माध्यम से जो है सरकार की सभी योजनाओं में जो है कि इनको लाभान्वित किया जाएगा, और इनिशियल रूप में जो इनको 2 लाख का जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो रहा है उससे इनको तत्काल प्रभाव से फायदा मिल रहा है जिससे ये काफी खुश हैं, और सरकार को ऐसी योजनाओं के लिए हमारे श्रमिक भाई जो है आभार व्यक्त कर रहे हैं, और हम भी जो है कि इसके लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं, और बहुत ही उत्साह है हमको ये कार्य करने में। भारत सरकार ने जिस हिसाब से असंगठित कामगारों के बारे में सोचा है उनका डेटाबेस तैयार करने के लिए और आने वाले समय में जो भी योजनाएं लाएंगी उसका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा मैं बता रही थी कि हमारे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने सिर्फ ये आश्वासन नहीं दिया है बल्कि मंत्री जी को ये विश्वास भी दिलाया है कि वो सरकार के साथ मिलकर इस पंजीकरण के कार्य को आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें पंजीकृत करवाएंगे। इसी क्रम में इसी क्रम में
हमने अपने असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भाई बहनों के ऊपर एक फिल्म बनाई है, शॉर्ट फिल्म है ये। हम वो फिल्म पहले देखते हैं। भारत, जहां 38 करोड़ से ज्यादा असंगठित कामगार हैं, जो देश के कुल रोजगार का 90% से अधिक है, क्या प्रगति की दौड़ में इनका पीछे रह जाना उचित है? क्या संगठित क्षेत्र की तरह इनके पास भी समान अधिकार नहीं होने चाहिए? कभी इन्हें भी मुख्य धारा में आने का अवसर मिलेगा? देश के लगभग 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज श्रमिक वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए श्रम व रोजगार मंत्रालय ने आजादी के बाद पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नेशनल डाटाबेस तैयार करने का बड़ा फैसला किया है, जिसको ई श्रम पोर्टल का नाम दिया गया है। स्वतंत्रता के 7 दशकों बाद एक नई पहल करते हुए श्रम मंत्रालय ने शुरू किया नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल, जो एक सेतु बनकर असंगठित कामगारों को नई संभावनाओं और सुखद भविष्य से जोड़ेगा। ई श्रम पोर्टल पर कामगार अपने आधार, मोबाइल और बैंक खाते के साथ खुद ही अपना पंजीकरण कर सकते हैं। फोन ना हो तो वो नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकृत कामगारों को एक डिजिटल ई श्रम कार्ड मिलेगा। कार्ड पर लिखा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर संपूर्ण भारत में वैध होगा, यानी इससे उन्हें किसी भी राज्य में अपने कौशल के अनुकूल रोजगार पाने में मदद मिलेगी। यही नहीं, इसके माध्यम से कामगारों को सामाजिक सुरक्षा संबंधित योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा वे इस पोर्टल पर ऑनलाइन निवेदन और शिकायतें भी दर्ज करवा सकते हैं। उनके सहयोग हेतु 24 घंटे की राष्ट्रीय हेल्प डेस्क की सुविधा भी मौजूद है। कुल मिलाकर ये पोर्टल असंगठित कामगारों को एक सूत्र में बांधकर उन्हें पहले से अधिक स्वावलंबी बनाएगा, उन्हें बेहतर जीवन शैली और समान अवसर प्रदान करेगा, जिससे वे खुद को, अपने परिवार को और इस देश को सुनहरे भविष्य की ओर ले जा सके। ई श्रम से जुड़े, आगे बढ़े। अभी रजिस्टर करें ishram.gov.in। हमारे राष्ट्र के निर्माताओं के लिए उठाए गए इस कदम पर सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने अपने विचार, अपने मैसेजेस हमारे साथ शेयर किए हैं। बहुत सारे मैसेजेस हम लोगों को मिले हैं, उनके कुछ अंश हम यहाँ आप सभी के साथ साझा करते हैं। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से सभी श्रमिक भाइयों बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। देश के लगभग 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज श्रमिक वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए श्रम व रोजगार मंत्रालय ने आजादी के बाद पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नेशनल डाटाबेस तैयार करने का बड़ा फैसला किया है, जिसको ई श्रम पोर्टल का नाम दिया गया है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण से कोई भी कामगार भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी योजनाओं का फायदा लेने से वंचित नहीं रहेगा। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को एक डिजिटल ई श्रम कार्ड मिलेगा। ई श्रम कार्ड पर लिखा UAN देश के सभी राज्यों में वैलिड होगा। हमारे देश में असंगठित जो मजदूर हैं, उनकी संख्या संगठित मजदूरों से बहुत अधिक है।
इनकी संख्या अधिक होते हुए भी इनका ब्यौरा है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। पिछले 3 सालों से ई श्रम पोर्टल के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन इसकी महत्ता तब जानी जब हमारे देश में COVID-19 का आगमन हुआ, जिसमें देश के असंगठित वर्ग के कामगारों को सरकार की स्कीम्स का फायदा देना है तो किसको दें। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे यहाँ पे ये कामगार हैं करोड़ों, उनके सामने ई पोर्टल सामने आ गया है। हम ये पोर्टल का रजिस्ट्रेशन और इस पोर्टल के थ्रू जो भी उनको सुविधाएं मिलेंगी वो पहुंचाएंगे। किसी भी कामगार को अपने घर से बहुत दूर नहीं जाना है पंजीकरण कराने के लिए, उसको 1 या 2 किलोमीटर के अंतर्गत उसको एक कॉमन सर्विस सेंटर, ये सारी सुविधाओं को पाने के लिए मिल जाएगा। हमारे पास देश में तकरीबन 3 लाख से ऊपर CSC सेंटर्स हैं, उन सबको इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमने इन्वॉल्व किया है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, और वो इसीलिए कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, खुद ब खुद अपने आप या अपने ही किसी मजदूर भाई बहन से भी लेके ही पूरा अपने योजना के बारे में जानकारी मिलेगी और जो सही में लाभ है वो लाभ वो ले पाएगा। इस ई पोर्टल के जरिए से गवर्नमेंट 100% कवरेज देते हुए रजिस्ट्रेशन करेगी तो हमारे देश के वर्कर्स को बेनिफिट ही होगा। देश के कामगार को अगर उसका जो कानूनी हक है उसको ईमानदारी से मिले, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा बेहतर काम नहीं हो सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इसके जरिए जो तमाम माइग्रेंट वर्कर्स हैं और जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर इसमें शामिल होंगे और वो स्कीम हम जो भी बेनिफिट्स पहुंचाना चाहते हैं वो एक मैकेनिज्म के तहत पहुंचाए जा सकते हैं। नेशनल डेटाबेस में उनका नाम सम्मिलित होने से उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और उनकी दीन दशा सुधरेगी। और सबसे बड़ी चीज जो उनका राइट है संविधान में कि एक अच्छा जीवन उनको प्राप्त हो सके, वो मिल सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश के असंगठित कामगार इस पोर्टल पर बहुत जल्दी आएंगे और इन सुविधाओं का लाभ लेंगे। इस देश का असंगठित मजदूर जिस दिन खड़ा हो गया, जिस दिन हंसने लगा, जिस दिन मुस्कुराने लगा, वो देश पूरा मुस्कुराने लगेगा, हंसने लगेगा और दौड़ने लगेगा। ई श्रम पोर्टल के द्वारा हमारे श्रमिक भाई बहन है उनको एक पहचान मिलेगी। तो मेरा इस देश के असंगठित मजदूरों से ये आह्वान है कि आप इस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करें। तो आइए हम सब भारत सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का स्वागत करें। तो आइए ई श्रम से जुड़े, आगे बढ़े और भारत सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का स्वागत करें एवं जल्दी से जल्दी पंजीकरण को पूर्ण करने में सरकार का सहयोग करें। जय हिंद। माननीय केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार श्री भूपेंद्र यादव जी, सर आपने जब से मंत्री पद का कार्यभार संभाला है तभी से मंत्रालय को आपका निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। कार्य के प्रति आपकी कर्मठता हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। आपके नेतृत्व में बहुत ही कम समय में जिस त्वरित गति से मंत्रालय के विषय आगे बढ़े हैं उसे देखते हुए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आपके नेतृत्व में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नए आयाम तय करेगा और देश के निर्माताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाकर श्रद्धे दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सम्माननीय केंद्रीय मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप अपने उद्बोधन द्वारा इस पोर्टल की सफलता के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, ई श्रम पोर्टल के आज सार्वजनिक शुभारंभ पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री भाई रामेश्वर तेली जी, हमारे विभाग के सचिव श्री अपूर्व चंद जी, विभाग की विशेष सचिव श्रीमती अनुराधा जी, आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी राज्यों के हमारे मंत्रीगण, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए देश के सभी ट्रेड यूनियन के नेतागण,
इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे श्रम मंत्रालय परिवार के सभी अधिकारीगण और हमारे NIC UIDAI के सभी अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं, आज ये एक शुरुआत है और वास्तव में ये शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए है। देश के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण करते समय उन्होंने जो सबसे पहले वाक्य कहे थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है और हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि जो देश के विकास का लाभ है वो समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को मिले। ये सच है कि संसद के अंदर विभिन्न समय से इस बात की मांग की जाती रही थी कि देश में जो सबसे बड़ा कामगार वर्ग है, असंगठित क्षेत्र है, उसमें एक डाटा बने। पार्लियामेंट में भी पहले अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी से लेकर काफी सारे सांसदों ने इस पर अपने विचार रखे। 2014 में जब सरकार आई तो एक सचिव स्तर की कमेटी का भी गठन किया गया और 2016-17 में सरकार ने अपनी बजट स्पीच में भी इस विषय को रखा कि असंगठित क्षेत्र में के क्षेत्र में हमें एक डाटा का मैकेनिज्म करना होगा और इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया चली। मैं मेरे विभाग के पूर्ववर्ती सभी मंत्रियों को, सभी अधिकारियों को और पूरे विभाग की टीम को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने लंबे समय से चले हुए प्रोजेक्ट को आज पूरा करके देश की जनता को समर्पित किया। निश्चित रूप से हम सबके प्रेरणादायी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमारे विभाग की ओर से एक बहुत बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि इसके लिए उपलब्ध जो प्रारंभिक साधन थे 704 करोड़ रुपए, वो केंद्र सरकार के द्वारा विभाग को उपलब्ध कराए गए। सभी प्रकार की टेक्निकल असिस्टेंस भी हमें NIC के अधिकारियों के द्वारा, हमें UIDAI के अधिकारियों के द्वारा और हमारे विभाग के अधिकारियों के अथक परिश्रम के द्वारा किए गए। मैं ये मानता हूं कि देश के श्रम क्षेत्र में काम कर रहे हमारे जितने भी मजदूर संगठन हैं उनके साथ जब इस विषय को लेकर के हमने बैठक करी तो हमारे सारे मजदूर संगठन, चाहे हमारे BMS हो, हमारे इंटक हो, C2 हो, एटक हो, TUCC हो, जितने भी फेडरेशंस हैं, सभी लोगों से हम लोगों ने सुझाव लिए और मैं ये मानता हूँ एक व्यापक विचार विमर्श के आधार पे, एक सहमति के आधार पे, एक परस्पर संकल्प के आधार पे सब ने एक संवित स्वर में ये कहा कि ये जो पहल है इसको सब लोगों ने बड़े हृदय के साथ स्वीकार किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज इन सब प्रयासों के कारण जो हम कहते हैं कि जिनकी मेहनत देश का आधार है उनका आज सपना हुआ साकार है। हमारे श्रमिक क्षेत्र में, जो असंगठित क्षेत्र में हमारे भाई बहन काम करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते समय, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते समय विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न तरीके से इसका पंजीकरण कराया जाता है। ये सच है कि हमारे केंद्रीय सरकार के द्वारा बीड़ी मजदूरों के लिए योजनाएं चलती हैं या हमारे बिल्डिंग सेक्टर के लिए योजनाएं चलती हैं, अन्य योजनाएं चलती हैं। जब मैं हमारे श्रम संगठनों के लोगों के साथ बात कर रहा था तो उन्होंने एक विषय कहा कि क्या अब सब योजनाएं एक हो जाएंगी। मैंने कहा था कि ये जो पोर्टल है किसी भी स्कीम का विलय नहीं है, बल्कि स्कीम असंगठित क्षेत्र के हर मजदूर तक पहुंचे उसके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। हम एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे, जो हमारे विभाग के सचिव साहब ने भी कहा, बाकी भी आपको सारे इसकी जानकारी में ध्यान में आया है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारा श्रमिक वर्ग काम करता है उनकी उनकी पहचान करना, उनका डाटाबेस, उनकी उपलब्धता, उनके लिए पॉलिसी का निर्माण और जब कोरोना जैसी अगर कोई पेंडेमिक आए तो उसके लिए भी सरकार के पास एक आधारभूत डाटाबेस तैयार हो। ये सच है कि प्रारंभिक एक साल के लिए हम लोगों ने इसमें एक्सीडेंट कवर की एक बीमा राशि को भी इसके द्वारा दिया गया है और ये एक संकल्प जो आज से शुरू हुआ है, हम मानते हैं ये एक शुरुआत उस देश के उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए है जिसमें लास्ट माइल डिलीवरी, जिसको हम कहते हैं, उन सारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए है। देश में श्रमिक कानूनों में एक बड़ा परिवर्तन
हम लोग लेकर के आए हैं और सोशल सिक्योरिटी कोड के सेक्शन 111 से 114 तक एक बड़ा प्रावधान भी रखा गया है कि देश में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का एक डाटा उपलब्ध होना चाहिए। हमने इस बात का जरूर ध्यान रखा है कि इसको बनाते समय सरल रजिस्ट्रेशन की पद्धति हो। सरल रजिस्ट्रेशन की पद्धति का अर्थ है कि अगर एक मजदूर के मोबाइल से चार लोगों का भी रजिस्ट्रेशन है तो उस संकल्पना को भी हमने साकार किया है। इतना ही नहीं, जिनके पास मोबाइल नहीं है वो भी पड़ोस के जो हमारा सेंटर है, इंफॉर्मेशन सेंटर है, उसमें जाकर के अपने अंगूठे के माध्यम से भी इस पर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। रजिस्ट्रेशन का कार्ड प्राप्त करने के लिए उनको कहीं चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जैसे ही उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, डिजिटल माध्यम से उनको रजिस्ट्रेशन का कार्ड प्राप्त हो जाएगा। हम ये मानते हैं और हम इस बात को जानते भी हैं कि हमारे जो अप्रवासी मजदूर भाई बहन हैं वो लगातार क्षेत्र को बदलते रहते हैं। मन में ये प्रश्न भी स्वाभाविक आ सकता है कि जहां बार बार क्षेत्र को बदलेंगे तो उसके लिए भी भविष्य में हमारी SMS के द्वारा एक व्यवस्था रहेगी। केवल उसको अगर वो SMS को यस का क्लिक कर देंगे तो उनका बार बार पंजीकरण अपडेट होता रहेगा। इसके साथ ही इस बात की पूरी व्यवस्था की गई है कि ये विषय राज्य सरकारों के सहयोग से पूरी तरीके से श्रमिक क्षेत्रों तक पहुंचे। निश्चित रूप से हमारा लेबर डिपार्टमेंट, हमारे लेबर डिपार्टमेंट के सभी नीचे तक के वेलफेयर ऑफिसर अधिकारी, हमारा ESIC PF जितने भी डिपार्टमेंट है उनके द्वारा तो इस श्रमिक योजनाओं का प्रचार किया ही जाएगा। हमारे विभाग के सचिव महोदय के द्वारा पिछले दिनों में लगातार राज्य सरकार के सचिवों के साथ भी पूरी बातचीत की गई और विभिन्न राज्यों को भी इसके लिए आवश्यक साधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। हमारा मानना है कि श्रम कल्याण के लिए जो हमारा फेडरलिज्म है, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रूप में अंतिम रूप से कल्याणकारी राज्य की जो हमारी कल्पना है, उस कल्पना को पूरा करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार हम सब मिलकर के इस डाटा बेस को पूरा करना चाहेंगे। और मैं ये कहता हूं कि ये डाटा बेस वास्तव में हमारे जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उसके जीवन में परिवर्तन लाएगा। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा जो लगातार जिस प्रकार से सांख्यिकी विभाग के द्वारा देश के श्रमिकों का सर्वेक्षण किया जाता है, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट का जो अपना लेबर ब्यूरो है उसके द्वारा भी 3 नए सर्वे जारी किए गए हैं जो हमारे विभाग के अधिकारियों ने आज के समय की चुनौतियों के हिसाब से तैयार किए गए हैं। निश्चित रूप से माइग्रेंट लेबर की जो समस्या है इसके लिए एक व्यापक सर्वे होने की आवश्यकता है, उसको लेबर ब्यूरो के द्वारा किया गया है। दूसरा जो सर्वे है डोमेस्टिक वर्कर्स है उनको लेकर के तय किया गया, उसको प्रारंभ किया जाएगा। और तीसरा, हमारे देश में श्रमिकों की कार्य क्षमता को इंस्टीट्यूशन बेस पे पहचानने के लिए यह भी एक नया सर्वे किया गया है। देश के कार्यबल को पहचानना, देश के कार्यबल को सरकार की नीतियों के अनुरूप उनका समायोजन करना, उनको डाटाबेस उपलब्ध कराना, सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना, ये ऐसे महत्वपूर्ण विधायी कार्य है जिसको इस समय भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। ये एक सर्व कल्याणकारी कार्य है, ये कार्य है जिससे देश के सभी असंगठित श्रमिकों को जुड़ने का हम आह्वान करते हैं। एक अनुमानित संख्या है कि देश में 38 करोड़ हमारे असंगठित क्षेत्र में श्रमिक काम करते हैं। इसके बारे में कुछ और भी अगर विषय हो सकते हैं तो इस जो डाटाबेस के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद ये विषय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये विषय आएगा, लेकिन इसको आगे जारी रखने के लिए राज्यों के स्तर पे भी एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया और उस मॉनिटरिंग कमेटी में भी श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को पूरी तरीके से देखा गया है। राज्य की मॉनिटरिंग कमेटी के बाद जिला स्तर पे भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटियों का गठन किया गया है ताकि ये जो हमारा डाटा है ये पूरा नीचे तक इसका जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो। आज के अवसर पर मैं पुनः बधाई देना चाहूंगा विशेष रूप से हमारे श्रम विभाग के सभी अधिकारियों को जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस पोर्टल पे कार्य को पूरा किया है। मैं बधाई भारत सरकार के NIC और UIDAI के अधिकारियों को भी देना चाहूंगा जिन्होंने श्रम विभाग के साथ मिलकर इसको एक साकार रूप प्रदान किया है।
तकनीकी के क्षेत्र में उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल करी है श्रम विभाग के हमारे अधिकारियों के साथ, इसकी जो व्यवहारिक समस्याएं आ सकती हैं, चुनौतियां आ सकती हैं, उसमें उन्होंने सभी प्रकार के समाधान दिए हैं। इसके साथ ही साथ एक टेली कॉल सेंटर का भी उपलब्धता कराई है, और ये जो टेली कॉल सेंटर है अभी हिंदी और अंग्रेजी में है, लेकिन भविष्य में क्योंकि हमारे असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनके लिए क्षेत्रीय भाषाओं में भी हम ये टेलीकॉल सेंटर को हम आगे प्रसारित करेंगे। इसके साथ ही साथ एनआईसी ने हमको ये भी आश्वस्त किया है कि ये जो भाषा हिंदी और अंग्रेजी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं में भी ये वेबसाइट आएगी, ताकि जो हमारे मजदूर भाई हैं वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकें। आज जब हम इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे थे, अजमेर से देख रहे थे, वाराणसी से देख रहे थे, हम चेन्नई से देख रहे थे, डिब्रूगढ़ से देख रहे थे, तो हमने प्राथमिक रूप से देखा चाहे बीडी वर्कर हो, प्राइवेट स्कूल में सफाई का काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, कोई टेम्पो ड्राइवर हो, या कोई छोटे मोटे क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो। हमारा ये मानना है और श्रम विभाग का भी ऐसा मानना है कि 400 से ज्यादा ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र हैं जिसमें हमारे सारे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हमारे भाई बहन काम करते हैं। भारत सरकार की एक बात की पूरी तरह प्रतिबद्धता है, और हमारी प्रतिबद्धता देश के गरीब लोगों के कल्याण के लिए है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार ये सरकार पूरी तरीके से गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लास्ट माइल डिलीवरी पर दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसलिए आज के ये कार्यक्रम की जो व्यवस्था है ये केवल कार्यक्रम की शुरुआत है। इसके साथ आगे चरणों में हम इसके सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पोर्टल केवल एक रजिस्ट्रेशन का पोर्टल नहीं है, ये हमारी उन सारे मजदूर भाई बहनों तक पहुंचने की एक प्रतिबद्धता है जिनको देश की सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलना चाहिए। ये उनको पहुंचने के का जहां एक और उनके लिए द्वार है, वही हमारे लिए एक मिशन है। हम इस मिशन को पूरा करेंगे, इसमें मीडिया के भी सभी लोगों का हमें सहयोग मिले, योजनाओं का एक सकारात्मक रूप से प्रचार हो, और आज देश का हमारा श्रम मंत्रालय, हमारे सारे मजदूर संगठन, सारे श्रमिक भाई बहन और सारी राज्य सरकारें मिलकर भारत सरकार के तकनीकी सहयोग से इस पोर्टल के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। पुनः मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, मंत्री होने के नाते सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि जो संकल्प आज इस पोर्टल के माध्यम से किया है हमारा विभाग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसको पूरा करने में सामर्थ्यवान सिद्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायी वचनों के लिए आपका हृदय से आभार। हम आपके दिशा निर्देशों पर कार्य कर अवश्य ही सफलता को प्राप्त करेंगे। आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन हमें निरंतर अथक परिश्रम करने एवं श्रमिकों के कल्याण के लिए नित नए कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। अब मैं निदेशक श्रम कल्याण श्री मनोज गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि आप धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्य का समापन करें। केंद्रीय मंत्री जी, राजमंत्री जी, सचिव महोदय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय विशेष सचिव मैडम एवं यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। महोदय, आप लोगों के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन के कारण इस श्रम पोर्टल का लॉन्च करना इतने कम समय में संभव हो पाया है। महोदय, आपके द्वारा समय समय पर दिए गए सुझाव एवं मार्गदर्शन से हम लोगों को असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए आवश्यक उपायों को खोजने एवं इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेरणा मिलती रही है। महोदय, आज इस पोर्टल के शुभारंभ के साथ हमारे देश के असंगठित कामगारों के लिए इस श्रम पोर्टल का उद्घाटन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत न्यू इंडिया के प्रति वचनबद्धता और श्रमेव जयते के प्रति उनके सम्मान को व्यक्त करता है। महोदय, इसके साथ ही मैं वर्चुअल माध्यम से जुड़े पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्यों एवं माननीय श्रम मंत्री महोदयों, स्टेट से राज्यों से उनके अतिरिक्त सचिवों, प्रधान सचिवों एवं श्रम आयुक्तों के साथ साथ जुड़े हुए अन्य अधिकारियों, डीजी, ईएसआईसी, सीपीएफसी एवं इनके क्षेत्र के जुड़े किसी के अन्य पद अधिकारियों, श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ साथ जो भी अन्य वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं उनके प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, इस श्रम पोर्टल की अब तक की यात्रा बहुत चुनौतीपूर्ण रही है एवं और यह अनेकों उतार चढ़ाव से भरा रहा है,
परंतु आदरणीय सचिव महोदय, विशेष सचिव मैडम, ASNFA, JSDGLW और JS एडमिन के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व से आज हम इस पड़ाव पर पहुंचे हुए हैं। जैसा कि हमने देखा कि वार्ता के दौरान कि श्रमिक बहुत खुश थे, उनका आधार, मोबाइल नंबर और पासबुक से, तो हमारे JS सर, अजय सर का हमेशा से था कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम हैसल फ्री हो, जिसका हम देख रहे हैं कि उसका परिलक्षण फील्ड में है। महोदय, इसमें पंजीकरण आधार के द्वारा हो रहा है और इस फीचर को इनेबल करने में बहुत समस्याएं थी, जिसका हमारे सचिव महोदय और UDI के CEO श्री सौरभ गर्ग सर का बहुत सकारात्मक सहयोग रहा है, जिसके कारण ही हम बहुत कम समय में इस फीचर को उपलब्ध करा पाए हैं। महोदय, NIC हमारे ई श्रम पोर्टल का टेक्निकल पार्टनर है और उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ इस पोर्टल का तैयार किया है। इसके लिए मंत्रालय श्री राजेश गेरा जी के नेतृत्व में उनकी टीम के सभी सदस्यों एवं महानिदेशक DG NIC को भी हृदय से धन्यवाद देता है। पूरे लॉन्च कार्यक्रम का प्रसारण वेबकास्ट के द्वारा देश में 4 लाख से अधिक केंद्रों पर लाइव प्रसारण चल रहा है महोदय जी, और इसका रजिस्ट्रेशन का कार्य भी CSC के द्वारा हो रहा है, तो इसके लिए मैं उनके चेयरमैन एवं CEO CSC को भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, समय चूंकि बहुत कम है, लेकिन हमारे जो अन्य पार्टनर हैं NPCI, जिनके माध्यम से हम ऑनलाइन अकाउंट वैलिडेशन कर रहे हैं, और ये भारत में अब तक का सबसे पहला प्रोजेक्ट है कि जिसमें हम ये सुविधा इनेबल किए हुए हैं। iSpert एक टीम है जिन्होंने हमें काफ़ी टेक्निकल मदद दिया हुआ है। DFS और बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी, जिनके माध्यम से हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को इनेबल करेंगे, इनका भी अवधि तक का बहुत सकारात्मक सहायता रही है और उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे मीडिया पत्रकार बंधुओं और कैमरामैन के साथ साथ अन्य उनके सहकर्मियों को भी इस ऐतिहासिक क्षण को अपने कैमरे में कैद करने एवं इसको आम जनता तक इसके प्रचार प्रसार करने के लिए भी धन्यवाद प्रकट करता हूं। साथ ही मंत्रालय का अनुरोध है कि वह हमारे इन प्रयासों को एवं श्रमिकों तक पहुंचाएं और इनसे होने वाले फायदों के बारे में जागरूकता हो सके। अंत में मैं और मेरे साथ कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ साथ हम अपने व्यक्तिगत स्टाफ, JSDGLW के व्यक्तिगत स्टाफ, PMU की टीम की भी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ई श्रम पोर्टल के साथ तैयार करने में सहायता मिली है, उन सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी को जो वर्चुअल माध्यम से, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, मीडिया के मित्रगण रुकेंगे ताकि कैमरा व अन्य लोग जा सकते हैं, लेकिन मीडिया से जितने भी लोग हैं आप लोग प्लीज रुकें। धन्यवाद। Gracias.